डिस्क्लेमर, जो भी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना। और अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज लीव नाउ। हेलो कैंटियंस, माय नेम इज ऋषि रोड़ा एंड यू आर वॉचिंग बी घेंट। इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें कोई भी गाइड नहीं करता, क्योंकि बड़ों से हम पूछते नहीं, हिचकिचाते हैं, छोटे को कुछ पता ही नहीं, और जो हमारे आसपास के बराबर वाली एज के दोस्त होते हैं वो सारे हम एक ही थाली के होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता, जिसके कारण हम गलती कर बैठते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी की थी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपकी ऐसी नौबत ना आए। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो घंटा आइकॉन भी दबाना, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सीरियस हो। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो मेरी ऑडियंस 13 साल से लेके 24 साल तक 87% है, और उसमें से 13 साल से लेके 17 साल तक 30% है, और यही एज होती है कि जिसमें हमारे प्यूबिक हेयर्स आने शुरू होते हैं और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिसके कारण हम गलती कर लेते हैं। मैंने भी की थी। मैंने क्या किया था, रेजर उठाया था और इसे टों के चक्कर में ना मेरे कट लग गया। वो कट लगने के बाद जो भाई मेरा हाल हुआ था ना, बस वो अब तो वो हंसी आ रही है ना, लेकिन उस वक्त ना समझो बस राइट। मैंने क्या किया, अब मैं किसी को बता तो सकता नहीं था कि मेरे ये हो गया, क्योंकि एक तो मैं घर का सब बड़ा भाई, और मेरे से बड़ा कोई हो तो मैं उसको बता भी पाऊँ, पापा से मैं बहुत डरता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैं केमिस्ट के पास गया। केमिस्ट को भी नहीं बोल सकता कि भाई मैंने ये पंगा कर दिया है। मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला रैशेस की दवाई दे दो, रैशेस की। उसने मुझे रैशेस की ना ट्यूब दी। अब मैं आपको एडवाइस नहीं करता, मुझे नहीं पता कि कट के ऊपर रैशेस की ट्यूब लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, मैं आपको एडवाइस नहीं करता। मैं पंगे बाजू, मैंने पंगा लिया था, हालांकि वो पंगे के कारण एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उस एक हफ्ते तक तुम्हारा भाई ऐसे टांगे चोरी करके चलता था। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है, क्योंकि इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। एक तो आपका लाल हाइजीनिक रहता है, दूसरा आपके लाल को ना थोड़ा पसीना कम आएगा, इससे पसीना कम आएगा तो स्मेल कम आएगी, तीसरा आपका लाल बड़ा दिखता है। करना क्या है, अगर तो आपका जंगल बहुत ही ज्यादा घना है देन सीजर के साथ उसको पहले जंगल की कटाई करें, जंगल को थोड़ा छोटा करें, क्योंकि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो अगला स्टेप करेंगे आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा कि आप कर क्या रहे हैं, नहीं तो आपके कट लग सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रिमिंग मशीन के साथ उसको ट्रिम करें, यस ट्रिम करें सारा, एंड देन उसके हमारी जो इनर थाइज होते हैं, इनर थाइज पे भी जो बाल होते हैं उनको भी ट्रिम करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सीधा ट्रिम मत करना ऐसे, इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वहाँ पे कट लग सकता है। हमेशा ऐसे इसी तरह से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, यस ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी ट्रिम करें जो हमारे प्यूबिक हेयर्स की जड़ होती है उसके अगेंस्ट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा हेयर है ना, ये हेयर ऐसे उगा हुआ है, और ट्रिम हमेशा ऐसे करना है, इसको ऐसे ट्रिम मत करना। और इनर थाइस पे भी जब आप ट्रिम करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले आपके जो हेयर्स है उसकी जड़ कैसी है, उसके अगेंस्ट ट्रिम करना है, फेवर में नहीं करना। अब बात करते हैं स्टेप थ्री में। सी भाई, स्टेप थ्री में ना आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है शेव, और अगर आप शेव करो देन भाई प्लीज़ जेंटली करना, क्योंकि वहाँ पर हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर आपको रेजर चलाने का कोई ही एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे ना रेजर मत चलाना, मेरी वाली गलती मत करना, मैंने तो सीधा ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी थी। दूसरी ऑप्शन जो आपके पास है वो है वीट, और जो वीट आपको लेनी है वो है सेंसिटिव स्किन वाली। लेकिन भाई इसको लगाने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको वीट रिकमेंड की है तो वीट आपको सूट करेगी, ये हर किसी की स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सूट करेगी या नहीं करेगी, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और जाके लेप दिया।
आप लगाने से पहले कुछ एरिया पे लगा के देखना कि आपको सूट करती है या नहीं करती है, क्योंकि जब मैंने भी शुरू की थी मैंने अपने थोड़े से एरिया पे लगा के देखा कि मुझे सूट करती है या नहीं करती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। और पर्सनली मैं आज भी इसे यूज़ करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत से लड़कों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि वो बीट यूज़ करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लड़कों ने ये भी बोला हुआ है कि वो उन्होंने बीट यूज़ की थी तो वो उनको सही नहीं लगा, उनको वहाँ पे इरिटेशन हुई तो उन्होंने बंद कर दी। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके वहाँ पे रैशेज़ हैं या कोई भी कट है देन आपको बीट नहीं लगानी। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ कि पहले थोड़े से एरिया पे लगा के देख लेना कि आपको सूट करती है या नहीं करती है। ये ना हो कि सीधा ही लगा लो फिर बाद में ओ पैंचुड़ा की हो गया फिर मेनू गाला कटोगे। तो ये थी वीडियो कि आपको अपने प्यूबिक हेयर्स की केयर कैसे करनी है। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपने कोई गलती की है देन अपनी स्टोरी प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आपके बहुत से लोगों को ना पता ही नहीं है कि अपने लाल को चमकाना कैसे है। और इन फ्यूचर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो इंडियन मैन फैशन एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड देन सब्सक्राइब नाउ। मायसेल्फ ऋषि रोड़ा साइनिंग ऑफ एंड एज आई ऑलवेज से ऑलवेज रिमेंबर यू, यस यू आर ऑसम। ये बात अपने दिमाग में अपने मन में बिठा लो, आई एम awesome। जिंदगी जीता नहीं आ रहा या फिर।